Hello students, I hope you all are good. Today I am going to discuss with you topic plant systematics. Student, systematics is the branch of biology which deals with cataloging of plants and animals along with other living organism and study them, classify them in taxonomic groups. Student, systematics biology की वो branch है जिसमें different living organism, for example वो plant हो, animals हो, fungi हो, bacteria हो, इन सबको क्लासीफाई किया जाता है और डिफरेंट टैक्सोनॉमिकल ग्रुप उनको आपस में रिलेट करके, उनके फीचर्स को रिलेट करके, वो सिमिलर हैं या डिफरेंट है, उस बेसिस पे उनको क्लासीफाई किया जाता है, देन उनको नेमिंग की जाती है, देन उनको स्टडी किया जाता है. इस ब्रांच को हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं. नाउ स्टूडेंट, हम अगर सिस्टमैटिक्स की हिस्ट्री को स्टडी करेंगे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सिस्टमैटिक्स में कौन कौन से इवेंट्स हुए थे. स्टूडेंट्स, हिप्पोक्रेट्स, एरिस्टोटल एंड थियोफ्रेस्टस. स्टूडेंट्स, हिप्पोक्रेट्स ने क्लासीफाई सम इम्पोर्टेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स. उन प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासीफाई किया जो ह्यूमन यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेडिसिनल प्लांट्स. उनकी प्रॉपर्टीज़ देख के उनको क्लासीफाई किया हिप्पोक्रेट्स ने. हिप्पोक्रेट्स ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन ऑल्सो. देन स्टूडेंट, एरिस्टोटल, he classify animals on the basis of habit, for example student, aquatic habitat and terrestrial habitat. Aquatic means animals which are residing in water, in terrestrial habitat animals which are residing in land. Student, Theophrastus classify plants into three groups: herb, shrub and tree. Student, like this जो classification है वो historically बहुत पहले से चली आ रही थी. काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने इनको, प्लांट्स को और एनिमल को क्लासीफाई किया और इनको कलेक्ट किया एक डिफरेंट प्लेसेस पे. देन स्टूडेंट, इफ यू टॉक अबाउट द बेसिस ऑफ सिस्टमैटिक्स, देर आर फोर मेजर बेसिस ऑफ सिस्टमैटिक्स विच आर characterization, then identification, then classification, then nomenclature. If we take the first one, characterization. Student, what is characterization? In characterization we jot down or arrange all the morphological and descriptive character and
डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टर ऑफ स्पीशीज ऑफ अ स्पीशीज, किसी भी प्लांट स्पीशीज और एनिमल स्पीशीज की जितने भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है आउटर से अगर हम देखें उनको जब हम अरेंज करेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, कैरेक्टराइजेशन करना. दिस प्रोसेस इज कैरेक्टराइजेशन. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, वेदर अ प्लांट इज हर्ब शर्ब और ट्री, एक ये कैरेक्टराइजेशन है. सेकंड, इफ वी टॉक अबाउट द स्टेम ऑफ प्लांट देन स्टेम इज हर्बेशियस और वुडी, स्टेम वुडी है या हर्बेशियस है, दिस इज अनदर कैरेक्टर. स्टूडेंट, इफ वी टॉक अबाउट फ्लावर्स देन फ्लावर्स की इन्फ्लुएंस साइमोज है, साइमोज इन्फ्लुएंस और रेसिमोस इन्फ्लुएंस है, रेसिमोस इन्फ्लुएंस. स्टूडेंट, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कैरेक्टर. स्टूडेंट, लाइक दिस फ्लावर के नंबर्स कितने हैं, काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं जो जिनके बेसिस पे हम सारे डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टर्स को जॉट डाउन करते हैं. नेक्स्ट प्रोसेस इज स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन स्टूडेंट, व्हेन वी जॉट डाउन ऑल द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जब हम सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को वन बाय वन लिखेंगे देन वी विल कंपेयर these characters with already known taxonomic group. Student, already जो taxonomic group हम पहले से classify कर चुके हैं कि उस taxonomic group में जितने भी species को हम provide करेंगे place, उनके क्या क्या characters हैं. तो अगर हमारा ये नया प्लांट, अननोन प्लांट, इन कैरेक्टर्स के साथ मैच कर गया तो हम इस अननोन प्लांट को उसी सेम टैक्सोनॉमिक ग्रुप में प्लेस प्रोवाइड कर देंगे. बट इफ़ इट इज़ नॉट मैचिंग, अगर ये सारे के सारे जो फीचर्स हैं उनमें से कुछ फीचर्स डिफरेंट हैं, कुछ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स डिफरेंट हैं, देन वी हैव टू प्लेस अ न्यू टैक्सोनॉमिक ग्रुप. हमें एक नया टैक्सोनॉमिक ग्रुप उस स्पीशीज को प्रोवाइड करना पड़ेगा. वी हैव टू प्लेस अ न्यू टैक्सोनॉमिक ग्रुप फॉर दैट. हमें एक नया टैक्सोनॉमिक ग्रुप प्रोवाइड करना पड़ेगा. दिस आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस वी हैव टू कंपेयर द कैरेक्टर्स विच वी ऑलरेडी characterized in first step, right student? Now student, our third classification. Student, classification means चीज़ों को अब हम classify करेंगे. Classification basically हमारे पास three type की हैं. We have three type of classification. First classification is artificial classification. Second classification is phenetic classification. And third classification is phylogenetic classification. The artificial classification, student, is also known as morphological classification. And student, the phenetic classification, also known as natural classification. And the phylogenetic classification is also known as evolutionary classification. Student, why? In case of artificial classification or morphological classification, we only emphasize morphological character. हम सिर्फ और सिर्फ morphological characters को jot down करेंगे और उनके basis पे हम classify करेंगे taxonomic group में unknown species को. But in case of phenetic classification, हम not only morphological characters, मैंने बताया कि in case of artificial classification हम क्या देखेंगे, morphological characters.
characters. But in case of natural classification, we will focus on morphological characters plus anatomical characters plus biochemical characters plus along with biochemical physiological characters, embryological characters also. So student, these type of characters we will explained in phenetic classification system, and then we will classify the particular species. In case of evolutionary classification, we will focus on evolutionary relationship of ancestor or descendant के बीच में क्या relationship है, ancestor and descendant. स्टूडेंट, अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे इन तीनों क्लासिफिकेशन का, देन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन इज प्रपोज्ड बाय कार्ल लिनियस, यू नो, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी. इन्होंने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के ऊपर काम किया था. देन इन फेनेटिक क्लासिफिकेशन बैंथम एंड हुकर. देन phylogenetic classification explained by Engler and Prenthal. Note it down student fast, then we will do another topic. So student, we will focus on now nomenclature. Student, nomenclature is also a very important part of systematics. In nomenclature, student, we assign a name, a single particular name which is universal to the species. ऐसा नाम जो पूरे के पूरे यूनिवर्स में सारी साइंटिफिक कम्युनिटी द्वारा बोला जाए, वही नाम हम उस स्पीशीज को प्रोवाइड करेंगे. ये सोच के हमने नोमेनक्लेचर प्रोसेस डिजाइन किया. स्टूडेंट्स, वी हैव टाइप मेथड फॉर नोमेनक्लेचर. जो भी पर्टिकुलर स्पेसिमेन हम नोमेनक्लेचर करने के लिए यूज़ करते हैं, उस पर्टिकुलर स्पेसिमेन को टाइप कहा जाता है, नोमेनक्लेचर टाइप. स्टूडेंट, नोमेनक्लेचर टाइप्स जो हैं वो बहुत सारे होते हैं. फर्स्ट वी विल डिस्कस होलोटाइप, देन होलोटाइप आइसोटाइप, देन पैराटाइप, देन सिन टाइप. स्टूडेंट, द होलोटाइप इज नॉमन क्लेचरल टाइप. होलोटाइप वो स्पेसिमेन है, वो स्पीशीज है जो हमने फील्ड से, जिसको नेमिंग करने के लिए फील्ड से हमने आइसोलेट किया है, जो जिस पे हमारा नेम बेस्ड है उसे होलोटाइप कहते हैं. स्टूडेंट, आइसोटाइप इज डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप. स्टूडेंट, पैराटाइप इज टाइप assign when holotype is not present. अगर होलोटाइप नहीं होगा तो जो टाइप
असाइन हम करेंगे उसे हम पैराटाइप कहते हैं, और वो पैराटाइप हमने होलोटाइप के साथ ही असाइन किया होता है। स्टूडेंट सिन टाइप एनी वन ऑफ द टाइप फ्रॉम स्पेसिमेन जितने भी हमने टाइप मेथड के लिए फील्ड से आइसोलेट किए हैं उनमें से किसी भी एक टाइप को जब हम क्लासीफाई करेंगे वी विल कॉल दिस एज सिन टाइप। देन स्टूडेंट नियो टाइप एंड टोपो टाइप। स्टूडेंट इफ ओरिजिनल मटेरियल इज मिसिंग देन न्यू मटेरियल इज यूज्ड। कोई नया स्पेसिमेन हम यूज करेंगे, न्यू मटेरियल यूज्ड इज नियोटाइप, वो नियोटाइप की कैटेगरी में आएगा। देन स्टूडेंट टोपोटाइप सेम प्लेस अगर हम सेम प्लेस में से सेम स्पेसिमेन फ्रॉम सेम प्लेस जिस प्लेस में से हमने होलोटाइप को आइसोलेट किया है फ्रॉम सेम प्लेस बट एट डिफरेंट टाइम सेम प्लेस में से सेम स्पेसिमेन को जब हम डिफरेंट टाइम में आइसोलेट करेंगे और एज अ टाइप यूज करेंगे देन हम उसको टोपो टाइप कहेंगे। स्टूडेंट ये टाइप मेथड्स के काफ़ी सारे टाइप्स हैं जब हम एक स्पेसिमेन को यूज़ करते हैं नॉमनक्लेचर करने पे। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव फाइव कोड फॉर क्लासिफिकेशन। हमारे पास पांच कोड प्रेजेंट है क्लासिफिकेशन करने के लिए। फर्स्ट इज ICBN, देन ICZN, देन ICBAC and then ICVN, then ICNPN. Student, ICBN is international code for botanical nomenclature. इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमनक्लेचर। स्टूडेंट ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमनक्लेचर। स्टूडेंट ICBAC इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियल नॉमनक्लेचर। स्टूडेंट ICVN इज इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस नॉमनक्लेचर एंड ICNPN इज इंटरनेशनल कोड फॉर कल्टिवेटेड plants nomenclature. Student, these all codes are some set of rules on which we provide a name to specimen, जिसके basis पे हम specimen को एक name provide करते हैं। ये हम codes use करते हैं during the time of naming. Now student, nomenclature historically सबसे पहले वर्नैक्यूलर नेम्स को यूज़ करता था। वर्नैक्यूलर नेम्स आर ऑल्सो नोन एज कॉमन नेम्स। वर्नैक्यूलर नेम्स को हम कॉमन नेम्स भी कहते हैं। स्टूडेंट रीज़न ये था कि हमने वर्नैक्यूलर नेम्स को बाद में नेगलेक्ट आउट कर दिया, कैंसिल कर दिया साइंटिफिक कम्युनिटी ने। रीज़न इज़ दैट वन प्लांट प्रोवाइडेड डिफरेंट नेम एट डिफरेंट प्लेसेस अलग अलग जगह पे एक प्लांट को अलग अलग नाम दिया गया। टू डिफरेंट प्लांट्स हैव सेम कॉमन नेम। स्टूडेंट इसका एक एग्जांपल है
टच मी नॉट प्लांट, टच मी नॉट प्लांट, टच मी नॉट प्लांट। दो डिफरेंट साइंटिफिक नेम्स हैं प्लांट के, माइमोसा पुडिका एंड इम्पेटेंस बैल, इम्पेटेंस बालसम, इम्पेटेंस बालसमी फेरा, बालसमी फेरा, एंड द अदर इज माइमोसा पुडिका, माइमोसा पुडिका। ये दोनों के दोनों डिफरेंट साइंटिफिक नेम्स हैं, दो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स हैं, बट इन दोनों को एक ही कॉमन नेम टच मी नॉट प्लांट प्रोवाइड कर दिया गया, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में, राइट स्टूडेंट्स। सो वर्नैक्युलर नेम्स आर नॉट यूनिवर्सल, ये हर जगह पे एक ही तरीके से नहीं यूज़ किए गए, दैट इज़ द रीज़न वर्नैक्युलर नेम्स को बाद में नेगलेक्ट आउट कर दिया गया। डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ये कॉमन नेम्स बोले गए, तो सारी साइंटिफिक कम्युनिटी इनको यूज़ नहीं कर पाई। दिस इज़ द मेन रीज़न और ड्रॉबैक ऑफ वर्नैक्युलर नेम्स। नाउ स्टूडेंट, पॉलिनोमियल नेम्स अराइज एट दैट टाइम। पॉलिनोमियल नेम्स में काफ़ी सारे डिस्क्रिप्टिव नेम्स बियॉन्ड द बॉटेनिकल नेम्स हमने यूज़ किए, साइंटिफिक नेम के पीछे काफ़ी सारे डिस्क्रिप्टिव नेम ऐड कर दिए गए। इन केस ऑफ ट्राइनोमियल नेम, बायनोमियल नेम के पीछे सब स्पीशीज़ का यूज़ किया गया, बट फाइनली एक्सेप्टेड जो नेम था वो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर रहा, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, that is the most accepted one, and the binomial nomenclature was proposed by Carl Linnaeus, proposed by Carl Linnaeus, Carl Linnaeus in genera plantarum, genera plantarum में Carl Linnaeus ने इस binomial nomenclature की बात को propose किया था। student, binomial nomenclature, इन बायनोमियल नोमेनक्लेचर वी यूज टू सेट ऑफ नेम्स, हम दो नेम्स का यूज़ करते हैं, वन इज जीनस एंड अदर इज स्पेसिफिक एपिथेट। दो नेम्स हम यूज़ करते हैं कॉम्बिनेशन में। देन इन बायनोमियल नोमेनक्लेचर इन जीनस फर्स्ट अल्फाबेट इज इन कैपिटल लेटर। पहला अल्फाबेट जीनस का हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। देन फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ स्पीशीज is in small letter, right student। ये तीन rules हैं, अभी और rules हम आगे देखते हैं जो हमने binomial nomenclature के हमारे पास present हैं। student, if we type or write the binomial name, then we should write underline separately in both names and type them in italics। italics में उन्हें type करना पड़ेगा computer में, और write करते time पे underline करना पड़ेगा। Then name must be in Latin and Greek language। Student, Latin language और Greek language एक dead language है जिसमें हमेशा इन names को, scientific names को लिखा जाता है। Then student, the name was provided with author name also
ऑथर नेम ऑल्सो, नाम के साथ बाद में ऑथर का नाम यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करेंगे दो तीन साइंटिफिक नेम्स की, तो दो तीन साइंटिफिक नेम्स हमारे अगर हम ह्यूमन के साइंटिफिक नेम की बात करेंगे तो होमन होमोसैपियंस, वीट की ट्राइटिकम एसेटाइवम। इफ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट इज इफ वी टॉक अबाउट नेम ऑफ मैंगो इज मैंगनीफेरा इंडिका आई इज स्मॉल। स्टूडेंट वी हैव टू अंडरलाइन ऑल दिस नेम्स सेपरेटली, राइट स्टूडेंट? दिस इज नेम ऑफ ह्यूमन, वीट एंड मैंगो। स्टूडेंट आई हैव टेल यू द रूल्स दैट फर्स्ट नेम ऑफ जेनेरिक एपिथेट इज कैपिटल एंड द फर्स्ट नेम ऑफ स्पेसिफिक एपिथेट इज स्मॉल लेटर। दे मस्ट बी इटैलिसाइज्ड, दे मस्ट बी अंडरलाइंड एंड आफ्टर द नेम ऑफ ऑथर हैज़ टू बी प्रोवाइडेड। स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट सिस्टमैटिक्स। आई होप यू लाइक माई वीडियो, शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। गुड बाय स्टूडेंट्स।